हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू SNW व्लॉग्स। SNW व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए ही होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग बात बता दीजिए। तो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करने का सोचा है जो होगा बेस्ट स्नैक्स ऑफ गोरखपुर। इसमें हम लोग टॉप 10 जगहों को लिस्ट करेंगे और आप लोगों को ले रिव्यू देंगे उस जगह का। तो पहले हम लोगों ने सोचा है शुरू करने का जलेबी से, क्योंकि दिन की शुरुआत होती है जलेबी से, कुछ मीठा हो जाए। तो हम लोगों ने 10 जलेबी की दुकानों को शॉर्टलिस्ट किया है। और शॉर्टलिस्ट कैसे किया है, तो वो हम लोग ने इंस्टाग्राम पर पूछा था लोगों से, तो उन्होंने बताया है। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आ रहा होगा, फॉलो कर लें। तो उन लोगों ने जो बताया उस हिसाब से हमने जो 10 दुकानों को सिलेक्ट किया है, और हम 10 दुकानों पर जाकर खाएंगे जलेबी वहाँ की और रिव्यू देंगे आपको, और उस हिसाब से हम रैंकिंग भी करेंगे 10 से लेके 1 तक की। तो व्लॉग को देखते रहिए और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मिर्ज़ापुर चौराहे पे, और यहाँ पे है मुन्ना मिष्ठान भंडार, और यहाँ की भी जलेबी काफ़ी सुनने में आती है, काफ़ी अच्छी है। तो आज टेस्ट करके देखते हैं कैसी जलेबी है। और इसका टेस्ट तो समझ नहीं आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, ख़राब भी लग रहा है। थोड़ी सॉफ्टनेस इसमें, सॉफ्टनेस की कमी है इसमें, इतने सॉफ्ट नहीं है, क्रिस्पी ज़्यादा है। हम लोग आए हुए हैं अभी थाले से आगे असुरन चौराहे के पहले ही एक जलेबी वाला है, वो देखिए उसकी शॉप दिख रही है जलेबी, उसका रेट 140 रुपये के जी है। अभी ने बताया था असुरन का हरियाणा जलेबी वाला, लेकिन हम लोगों ने बहुत ढूंढा मिला नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि जो रास्ते में अच्छी दिखेगी जलेबी असुरन के पास, ये वीडियो बना लेते। मिठास भी कम थी और कुरकुरी भी नहीं थी, सॉफ्ट जलेबी थी। अभी हम लोग आए हुए हैं अली नगर चौराहे पे, बेनाम की दुकान है जलेबी। अली नगर में किसी ने बताया था, लेकिन ये दुकान का नाम नहीं है और एड्रेस भी नहीं बताया था, तो हम लोग अली नगर चौराहे पर आ गए। ये बताया था कि यहाँ की जलेबी बहुत अच्छी है, तो चौराहे पर आ गए और हम लोग को यहाँ पे जो सबसे अच्छी दुकान दिखी है वहाँ की जलेबी हम लोगों ने ले लिया। अब टेस्ट करके बता दें, जलेबी थोड़ी कुरकुरी ज़्यादा है, सॉफ्टनेस की कमी है इसमें, उतनी सॉफ्ट नहीं है अंदर से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अगली दुकान पर, और ये गोरखनाथ मंदिर है, उसके थोड़ा सा आगे है मदेशिया मिष्ठान करके, और यहाँ की जलेबी हम लोगों ने ली है और टेस्ट करके अभी आपको बता जलेबी है। यहाँ की सॉफ्टनेस इसमें ज़्यादा है, मतलब क्रिस्पी है ही नहीं, एकदम सॉफ्ट है, अच्छी लग रही है, मीठी बहुत ज़्यादा है। जलेबी की जो खटास होती है उसमें वो बहुत कम है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कूड़ाघाट, कूड़ाघाट में झारखंडी गेट है ना मंदिर, उसका गेट उसके झारखंडी गेट है, उसके पास ही ये है गायत्री मिश्रा। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं जलेबी खाने। यहाँ की जलेबी काफ़ी पतली पतली है, मतलब पतली पतली है। यहाँ की जलेबी की खास बात है टोकन लेना खा कर देखते हैं यहाँ की जलेबी। लाइट है थोड़ी। हम लोग आ चुके हैं विजय चौराहे पे, और विजय चौराहे पे आप पीछे देख रहे हैं आप अन्नपूर्णा स्वीट हाउस है, ये भी काफ़ी पुरानी दुकान है। देखते हैं यहाँ की जलेबी कैसी है, आपको सारे दुकानों की रेटिंग बाद में देंगे, क्योंकि अभी सारे जहाँ टेस्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग देंगे। और ऑलमोस्ट सारी जलेबियों का प्राइस सेम ही है, 160 के आसपास, यहाँ का थोड़ा सा हाई है, 180 है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। हम लोग हायर प्राइस वालों जलेबी नहीं टेस्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग यही रेट की खाते हैं, तो हम लोग किसी की
एक प्राइस के आसपास की जलेबी टेस्ट करने वाले हैं। इसकी जलेबी चिमड़ाई टाइप की है और काफ़ी रस भरी है। माम ये रायगंज अलहदादपुर में है, तो यहाँ जलेबी चल के टेस्ट करते हैं। जलेबी काफ़ी सॉफ्ट है यहाँ की, मतलब अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी भी है, काफ़ी अच्छी टेस्ट है यहाँ पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इधर सीएमई ऑफिस, और सीएमई ऑफिस के सामने जो है ये छोटी सी दुकान है, छपरी जलेबी वाला इसका कोई दुकान का नाम नहीं है, ऐसे ही है। तो यहाँ की जलेबी हम लोग खा के बताते हैं कैसी है। काफ़ी सॉफ्ट और जलेबी की जो एक खटास होती है वो भी इसमें अच्छी आती है। अभी हम लोग आ गए हैं कन्हे की दुकान पर, बहुत पुरानी दुकान है ये कन्हे की, बचपन से जलेबी है और जलेबी में अलग अलग बहुत काफ़ी थिक जलेबी है और वही बहुत अच्छी है, अंदर से सॉफ्ट है बहुत क्रिस्प अच्छी है काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लाल डिग्गी चौराहे पे और यहाँ पे बंसी लाल की बहुत फेमस दुकान है, देखने बंसी लाल की दुकान है ये, और सबसे पुरानी तो नहीं लेकिन काफ़ी पुरानी दुकान है ये, और यहाँ की जलेबी और कचौड़ी बहुत फेमस है, तो खाते हैं देखते हैं। जलेबी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जलेबी है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है क्रिस्पी है और इसकी थिकनेस भी है थोड़ी अच्छी है, ज़्यादा है मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाती है। वकार भाई भी टेस्ट किए, इसकी भी राय ले लिया जाए, बताइए। अब इतनी जलेबी खा चुके हम लोग कि एक महीने तक जलेबी हम लोग नहीं खाने वाले। अरे इतना मीठा खाए हम लोगों ने पूरे बहुत ज़्यादा में घूम घूम कर जलेबियाँ खाई और आज आज खाकर टेस्ट किए, उस हिसाब से हम लोगों ने टॉप 10 लिस्ट बनाई है ये, और आपको कहाँ की पसंद है ये भी आपका कमेंट करके बताइएगा वो लिस्ट में है कि नहीं। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ की जलेबी अच्छी लगती है और आप लोग मॉर्निंग में जलेबी खाना पसंद करते हैं कि नहीं। हम लोग इसीलिए अगले किस फूड की बनाएं या किस स्नैक की बनाएं आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जिसकी आपको चाहिए तो हम लोग फिर इसकी लिस्ट बनाते हैं और आप लोग को देते हैं। तब तक के लिए बाय। और हम लोगों ने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है और एक दिन में नहीं ये बन पाया वीडियो, हम लोगों ने चार पाँच दिन लग गया ये वीडियो बनाने में, तो आपको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेहनत के लिए, कमेंट भी कर दीजिएगा, कमेंट करके थोड़ा अप्रिशिएट कर दीजिएगा।